वाला हूँ कि विंडोज 7 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को कैसे इंस्टॉल करें। एट फर्स्ट मेरा नाम रोशन लाज है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विंडोज 7 खुला हुआ है, मेरा लैपटॉप है, और मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें कैसे एमएस ऑफिस को डाल सकते हैं। तो मेरे पास एक पेन ड्राइव है, इसमें विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इसमें है। ये बैकअप होना चाहिए आपके पास में, एप्लीकेशन होना चाहिए, तब जा कर के आप डाल सकते हो। तो मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पेन ड्राइव का एक ऑप्शन आया हुआ है, मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब मैं माय कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे पेन ड्राइव के ऑप्शन हैं, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इससे मैं नीचे आता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सेटअप्स और सीरियल नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं सेटअप्स पे डबल क्लिक करता हूँ। ये सेटअप्स चालू हो चुका है, मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमसे सीरियल नंबर मांगेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटर योर प्रोडक्ट की। तो मैं फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे सेटअप्स के जस्ट ऊपर में सीरियल नंबर है, मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो ये सीरियल्स नंबर आपको नोटपैड में शो करेंगे, आप कंट्रोल प्लस ए दबा दो ये सेलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस सी दबा दो ये कॉपी हो जाएंगे, और इसे हम क्लोज कर लेंगे। नीचे में इस सेटअप्स पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस भी, तो वो प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे शो करेगा। हाँ, अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है जिसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे इंस्टॉल्स करने के लिए दिया जा रहा है, तो मैं इंस्टॉल्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये इंस्टॉलिंग्स लेना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटरप्राइज 2007। इसमें काफ़ी समय लगेगा, अप्रॉक्स 5 to 10 minutes, तो हमें वेट करना होगा 5 से 10 मिनट कि ये जब पूरा हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने का हौसला मिले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस लेना स्टार्ट हो गया है, तो मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और इसे पूरा होने देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कम्प्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं सिर्फ क्लोज बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं स्टार्ट बटन पे जाता हूँ, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है। मैं एमएस वर्ड पे क्लिक करता हूँ, और जब आप इंस्टॉल करोगे तो पहली बार ये ऑप्शंस आते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक कर लो और आई डोंट वांट टू यूज माइक्रोसॉफ्ट अपडेट और फिनिश क्लिक कर दो। अब आप आसानी से यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपको टाइप करना हो से सेलेक्ट कर लो। अब आपके जो भी सारे काम्स हैं आप उन कामों को आसानी से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने नाम में एन छोड़ दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो एंड माई यूट्यूब चैनल्स। थैंक यू।